दोस्तों आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज मेरे पास में डीलिंग का राउटर है DIR615। मैं इसका पासवर्ड भूल चुका हूं तो मैं इसको रीसेट करूंगा और पूरा कॉन्फ़िगरेशन आपको सिखाऊंगा। इसको हम दो टाइप से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एक लैन पोर्ट पे और एक वैन पोर्ट पे। तो लैन पोर्ट का आपने मेरा पिछला वीडियो देख लिया होगा अभी तक। लैन पोर्ट का जो सेटअप है वो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें डीलिंग का राउटर 825 मॉडल नंबर था। अगर वो किसी ने नहीं देखा हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वो भी वीडियो मेरी देख सकते हैं। हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे वैन पोर्ट पे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें सबसे पहले मेरी वीडियो देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो राउटर है इसको हमें रीसेट करना है। रीसेट करने के लिए इसमें हम पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे रीसेट बटन दिया हुआ है। यहाँ पे हमें किसी भी नुकीली चीज़ से 8 से 10 सेकंड प्रेस करके रखना है और इसको छोड़ने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे सभी लाइटें ब्लिंक करने लगेंगी और ये रीसेट होने लगेगा। रीसेट होने के बाद में अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कनेक्शंस। तो हमें इसके लिए एक केबल चाहिए जिसके दोनों तरफ RJ45 कनेक्टर लगे होंगे। इसको हमें एक साइड से अपने कंप्यूटर में लगाना है, दूसरी साइड से हमें लगाना अपने लैन पोर्ट पे। लैन पोर्ट पे लगाने के बाद में अभी हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों अभी हम आ गए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। अभी हमें सबसे पहले अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस चेंज करना है, जिसके लिए हमें सर्च में टाइप करेंगे RUN। रन कमांड ओपन होने के बाद में यहाँ पे हमें टाइप करना है ncpa.cpl, देन ओके। ओके करने के बाद में यहाँ पे हमारी आईपी चेंज करने की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अब हमें ईथरनेट पे राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टी को क्लिक करेंगे। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 पे क्लिक करने के बाद में फिर से प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। यहाँ पे अभी हमें मैनुअल आईपी टाइप करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। दोस्तों अभी हमें यहाँ पे जो आईपी टाइप करनी है वो हमारे राउटर के पीछे में आप देखेंगे यहाँ पे लिखी हुई है आईपी एड्रेस, और नीचे यूजर नेम और पासवर्ड कुछ नहीं है, यही हमें आईपी डालनी है अपने कंप्यूटर में। चलते हैं अभी हम दोबारा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे अभी हमें टाइप करना है 192.168.0. यहाँ पे 0 जो है वो हमारा आईपी एड्रेस का रेंज है। इसके लास्ट में जो हम आईपी डालेंगे यहाँ पे हमें 1 नहीं डालनी है क्योंकि हमारे राउटर का आईपी है, तो 1 से आगे हम 254 तक यहाँ पे हम आईपी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी आईपी डाल देंगे। सबनेट मास्क ये ऑटोमेटिक ले लेगा। गेटवे में हमें जो हमारे राउटर के पीछे आईपी लिखी हुई थी वही टाइप करनी है और ओके कर देंगे, क्लोज। दोस्तों हमारा कंप्यूटर राउटर से कनेक्ट हो चुका है। अभी हमें अपना क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन करने के बाद में यहाँ पे अभी हम टाइप करेंगे अपना राउटर की आईपी जो डिफॉल्ट दी हुई है। आप कोई भी नया राउटर खरीदेंगे तो भी आपको ऐसे ही कॉन्फ़िगर करना है जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। यहाँ पे 1 डालने के बाद में हम इसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में अभी ये ओपन हो चुका है हमारे राउटर का सेटअप पेज। जैसा कि मैंने आपको बताया था वैन सेटअप करेंगे हम इस वीडियो में, तो हमें DHCP को हटा के स्टैटिक आईपी क्लिक करना है। अभी दोस्तों अभी इसके लिए आप आईपी एड्रेस क्या डाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरा जो दूसरा राउटर है इसी में हमारा इंटरनेट का मेन कनेक्शन लगा हुआ है। इसी से हमें अपना राउटर कनेक्ट करके इंटरनेट को चलाना है। तो सबसे पहले हमें अपने मोबाइल को अपने मेन राउटर से कनेक्ट करने के बाद में हमें आईपी चेक करनी है कि ये कौन सी आईपी रिलीज करा हमें नेट चलाने के लिए। तो चलते हैं अभी अपनी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों हम अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। अभी हमें सेटिंग में जाना है और वाईफाई में जाएंगे। ये हमारे मेन राउटर से कनेक्टेड है मोबाइल। नेम के बिल्कुल लास्ट में क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे ये मेरा जो मेन राउटर है ये 192.168.10 की रेंज का आईपी रिलीज कर रहा है, तो हमें इसमें 10 का जो रेंज है वही डालनी है। दोस्तों अगर आप मेन राउटर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो आपको या तो वो आईपी पहले से नोट करके रखनी पड़ेगी या फिर अपने इंटरनेट प्रोवाइडर हैं उनसे अपना आईपी एड्रेस मांगना पड़ेगा। तो चलते हैं हम अब अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो अभी यहाँ हम अपना आईपी डालेंगे 192.168.10 का सीरीज रहेगा यहाँ पे। इसके बाद में हम 2 से लेके 254 तक डाल सकते हैं।
नीचे में हमें सबनेट मास्क डालना है। यहाँ पे हम टाइप करेंगे 255.255.255.0। नीचे हमें गेटवे देना है, गेटवे में हम डालेंगे 192.168.10.1। नीचे में हमें DNS डालना है 8.8.8.8। सेकेंड DNS में 8.8.4.4 डालेंगे। दोस्तों अभी हम करेंगे वायरलेस सेटअप। इसमें जो SSID नेम है ये वो नेम होता है जो हम अपने मोबाइल से वाईफाई सर्च करते समय जो नेम आता है। नीचे में हमें पासवर्ड डालना है, पासवर्ड 8 डिजिट से ऊपर होना चाहिए। पासवर्ड डालने के बाद में सेव करेंगे। अभी राउटर लॉगिन पेज पे आ चुका है तो हमारे राउटर का जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड था वो नहीं था, इसलिए लॉगिन पे क्लिक करेंगे। हमारे राउटर का जो कॉन्फ़िगर पेज ओपन हो चुका है। अभी हम सेटअप में जाएंगे। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि हमने जो वैन सेटिंग की थी इंटरनेट सेटअप में जाके, उसमें कोई चेंजमेंट कर सकते हैं या कुछ गलती हो गई तो उसमें कुछ भी हम टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोकल नेटवर्क में देखेंगे। लोकल नेटवर्क में 0 की सीरीज में IP डली हुई है, इसी से हमारा मोबाइल का इंटरनेट चलेगा। अगर दोस्तों हमें अपना यूजर ID और पासवर्ड चेंज करना है तो हम मेंटेनेंस ऑप्शन में जाएंगे। अभी हम एडमिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें अपना यूजर नेम टाइप करना है। नीचे में कोई ओल्ड पासवर्ड नहीं था इसलिए यहाँ पे कुछ टाइप नहीं करेंगे। न्यू पासवर्ड में हमें अपना पासवर्ड नया टाइप करना है, फिर कंफर्म दोबारा करेंगे। अभी हमें यूजर अकाउंट टेबल में सिलेक्ट अकाउंट करना है, उसके बाद मॉडिफाई करेंगे। दोस्तों हमारे राउटर में पासवर्ड लग चुका है। अभी बिना पासवर्ड के हमारे राउटर को कोई एक्सेस कर नहीं सकता। दोस्तों हमारे राउटर का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होने के बाद में हम अपने LAN केबल का कनेक्शन देखेंगे। अभी ये मेरा मेन राउटर है जिसमें मेरा इंटरनेट का मेन कनेक्शन लगा हुआ है। इसके LAN पोर्ट में हमें केबल लगानी है और जो हमारा अभी नया राउटर कॉन्फ़िगरेशन किया था इसके LAN पोर्ट से केबल को हटा के हमें अब इसके येलो पोर्ट यानी कि वैन पोर्ट में कनेक्ट कर देना है। इसके बाद ये इंटरनेट को एक्सेस कर पाएगा। अभी दोस्तों आपको एक डाउट होगा कि LAN सेटअप और वैन सेटअप में क्या अंतर है। LAN सेटअप में हम जब अपना मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो उसमें हमें मैनुअल IP डालनी पड़ती है, वो ऑटोमेटिक IP जनरेट नहीं करता है। वैन जो सेटअप है इसमें हम कोई भी मोबाइल कनेक्ट करते हैं तो इसमें ऑटोमेटिक IP डल जाती है, हमें इसमें कोई भी मैनुअल IP डालनी नहीं पड़ती है। अगर आप ऑफिस में वैन नेटवर्क के वाईफाई में कोई भी कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं तो इसमें कोई भी शेयरिंग फोल्डर काम नहीं करेगा, ओनली आप इसमें नेट चला सकते हैं। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।